भाई बहनों नमस्कार। आज आपको मैं वो मंत्र बता रहा हूँ, वो श्लोक बता रहा हूँ, आपको पैथोलॉजी की आवश्यकता नहीं, आपको रेडियोलॉजी पर भी जाने की जरूरत नहीं, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं कि बीमारी क्या है, आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि कौन से डॉक्टर की क्या फीस देनी पड़ेगी। ऐसा श्लोक आपको बता रहा हूँ, ऐसा मंत्र आपको बता रहा हूँ कि आपको डॉक्टर बन जाएंगे। आपको ये पूछना ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कितना खर्च करना पड़ेगा। हाँ, आपने ठीक सुना, एक ऐसा श्लोक, एक ऐसा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ जो अगर आपने सुन लिया तो आप खुद जान जाएंगे कि आपकी बीमारी कैसे बनी है। अति स्निग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् दिवा स्वपनात् भुंजात् अति संताप क्रोध शोक तथा। यानी आपके शरीर में बीमारियों के पैदा करने का जो कारण है, जिसके कारण बीमारी पैदा होती हैं, वो बीमारियों का कारण क्या है, जब आप उसको जान जाओगे कि कौन से रास्ते पर चलने से कांटे आएंगे और कौन से रास्ते पर चलने से आपको लक्ष्य प्राप्त होगा, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे शरीर के अंदर डिप्रेशन का कारण क्या है, कि तली हुई चीजों का प्रयोग करने से डिप्रेशन आता है, तली हुई चीजों के प्रयोग करने से डिप्रेशन आता है, अति संिग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात, ठंडे के साथ गरम गरम पानी का या ठंडे गरम गरम भोजन के साथ ठंडे पानी का प्रयोग करने से गैस और एसिडिटी और कब्ज की बीमारी बनती है। ज्यादा चिंता करने से आपकी इंटेस्टाइन कमजोर हो जाती हैं, क्रोध करने से आपको बीपी बढ़ जाता है, चिंता करने से आप में डिप्रेशन आ जाता है, नपुंसकता पैदा हो जाती है, आपको शुगर बन जाता है। आप इन चीजों का प्रयोग बंद कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं जी मोटापे का कारण क्या है, तो उसने कहा कि अधसनात बगैर पचे हुए, अजीर्णात बगैर पचे हुए भोजन करने से, भोजन के ऊपर भोजन करने से मोटापा आता है, आप इस चीज को दूर कर दीजिए। दिवा स्वपनात दिवा भुंजात, दिन का सोना और दिन का खाना बंद कर दीजिए, उससे मोटापा आना बंद हो जाएगा। तो देखिए आपका डिप्रेशन ठीक हो गया, मोटापा ठीक हो गया, गैस ठीक हो गई, आपको एसिडिटी बनना बंद हो गया और आपके शरीर के अंदर बीमारी ही नहीं आएंगी, आपका बीपी नहीं आ रहा, नपुंसकता आपके अंदर नहीं आई, ये सभी चीजें तो ठीक हो रही है। किससे? जब आप ये समझेंगे कि बीमारी का कारण क्या है। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा कि आपके शरीर में कौन से रोग का क्या कारण है। आपको दवाई की आवश्यकता नहीं, सिर्फ कारण को दूर करना है, कारण को दूर कर दीजिए, आपको बीमारी ही नहीं आएगी, आपको खट्टे मीठे का कुछ लेना ही नहीं होगा, कहीं फीस का कोई मतलब ही नहीं होगा, पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता है सिर्फ ये जानने की कि कौन सी बीमारी का क्या कारण है, उस कारण को छोड़ दीजिए। अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपके प्रत्येक रोग का सही इलाज और सही समाधान बताऊंगा। आप घर बैठे कोरियर से भी दवाई मंगा सकते हैं। जय भारत, जय भारत।